चाहे जो हो जाए मुझे वैजयंती को अकेले मिलकर सच बताना होगा अपनी भावनाओं के बारे में। आज मुझे बैरिस्टर बाबू को बताना होगा कि बोंदिता ही वैजयंती है, फिर चाहे जो हो जाए। अरे ये वैजयंती आज एकदम हमारे घर की स्त्रियों जैसी सजी धजी क्यों लग रही है? अच्छा ही है ना, ससुराल के रंग में रंग चुकी है वो। हाँ, ये भी सही है। कहाँ तुम्हारे अम्मा अप्पा दिखाई नहीं दे रहे? काका, आप ऊपर चलिए, आपके इस सवाल का जवाब आपको ऊपर ही मिलेगा। मतलब इस सवाल का जवाब नीचे नहीं मिल सकता है? ठीक है, चलो ऊपर चलो। आ जाओ बच्चों, सोमनाथ बच्चों को ले लो। चलो चलो। हाँ। कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं मैं वैजयंती से। जल्दी आ जाना। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे भी। पहले मैं कहेगी। नहीं, पहले मैं कहूंगा। पहले मैं कहेगी तो क्या जाएगी आपका? अगर मैं पहले कहूंगा तो बहुत कुछ बच जाएगा वैजयंती। वाह, मेरा सब कुछ छीनने के बाद अपना सब कुछ बचाना चाहते? फिर से कुछ बड़बड़ा रही है, क्या कहा तुमने? पहले मैं कहेगी और आप सुनेगी। अरे जब से आई हो बड़ 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 करती जा रही हो। मेरी कान खा गई हो तुम मेरे? अपेक्षा मत कहना प्लीज। मैं कहना चाहता हूँ वैजयंती, मेरा बोलना बहुत जरूरी है। हर बार की तरह इस बार मत रोकना मुझे, एक शब्द मत कहना। देखो वैजयंती, मुझे गलत मत समझना है। I'm sorry, मैं गुस्सा नहीं करना चाह रहा था तुम पर। तुम सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। हाँ, थोड़ा ज्यादा बोलती जरूर हो, पर उस बात से कोई परेशानी नहीं है मुझे। तुम दक्षिण भारतीय हो, इस बात से भी कोई आपत्ति नहीं मुझे। तुम पढ़ी लिखी कम हो, ये भी कोई समस्या नहीं मेरे लिए। बल्कि मैं तो तुम्हारी कितनी सारी बातें पसंद करता हूँ वैजयंती। जिस तरह तुम वही करती हो जो तुम्हारा दिल कहता है, वही कहती हो जो तुम्हें सही लगता है, अपने आप के लिए खड़ी होती हो, ये सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है वैजयंती तुम्हारे बारे में। सच कहूँ तो किसी के पास भी तुम्हें ना कहने की कभी कोई वजह नहीं हो सकती। पर वैजयंती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं और झूठ नहीं बोल सकता अपने आप को, तुमको। मैं जानता हूं तुम दुखी हो रही होगी, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन वैजयंती, तुमसे शादी ना करने की एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह भी मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी बताऊंगा कि क्यों नहीं कर सकता मैं तुमसे शादी। बताऊंगा कि क्यों नहीं दे सकता मैं तुम्हें अपने दिल में जगह। बताऊंगा कि क्यों नहीं जोड़ सकता तुम्हारे साथ जीवन भर का साथ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता वैजयंती। सिर्फ तुमसे नहीं, मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने वो किया तो वो गलत होगा मेरे साथ,
गलत होगा उस लड़की के साथ। अगर मैंने तुमसे भी शादी की ना वैजंती, तो वो शादी नहीं, वो अन्याय होगा। अन्याय होगा तुम्हारे साथ, अन्याय होगा मेरे साथ, अन्याय होगा वो। और किसके साथ? बोलिए ना बरसर बाबू, और किसके साथ? बोलिए ना, वो कौन है जो हम दोनों के बीच में खड़ी है? कौन है वो जो आपके दिल में है पर जुबान पे नहीं है? बोलिए ना, कौन है वो जो यहाँ पर नहीं होकर भी है? बोलिए ना बरसर बाबू, कौन है वो? मौनता है वो जो हमारे बीच में है। मौनता है वो जो मेरे दिल में है, मेरे मन में है, मेरे सोच में है, मेरे सपनों में है, मेरे दिन में है, मेरी रात में है, मेरी हर बात में। मैं चाहती हूँ मौनता है वो नाम जो 8 साल से मैंने आज तक नहीं लिया, लेकिन आज मैं वो नाम लूंगा। मैं वो नाम लूंगा क्योंकि वो नाम लेना बहुत जरूरी है मेरे लिए। 5 से 8 साल पहले मैंने बॉन्डिता से वादा किया था, चाहे कितने भी मुश्किल आ जाए जीवन में, अब दोबारा कभी बॉन्डिता को अपने से अलग नहीं करेंगे। बॉन्डिता, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तुम जानती हो वैजंती, उस दिन मैंने पियानो क्यों बजाया? जानती हो उस बर्थडे के दिन पर रसगुल्ला क्यों खा? वैजंती, 8 साल बाद पहली बार अनिरुद्ध और चौधरी मुस्कुराए, क्योंकि उन सारी चीजों से मुझे बॉन्डिता की याद है। मतलब मैं सही थी, अभी भी सखा बाबू के दिल में मेरे लिए प्यार है। तुम्हारी हर चीज से मुझे बॉन्डिता की याद आई, तुम्हारी हर चीज से, हर बात से, तुम्हारी हर जिद से, हर शरारत से मुझे बॉन्डिता की याद आई। शायद इसीलिए मैंने तुम्हारी वो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। दोस्त बनूंगी मेरी। अपने परिवार वालों के कहने पर, अपने दुश्मनी का जज्बा दिखाने के लिए मैंने शादी तक के लिए हाँ कह दी वैजंती, लेकिन उस दिन जब मैं कचहरी में गया तब यह बॉन्डिता एक औरत होकर हम मर्दों की बराबरी करना चाहती है। आज उसकी डिग्री, उसका बैरिस्टर वाला खोप सब जलाकर उसके गुरूर और उसके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा देते हैं। जला दो। क्या क्या कर रहे हो तुम? पीछे हटो। मैंने कहा उसे छोड़ो। एक औरत के पीठ पीछे उस पर वार करते हो, उसका पुतला बनाकर उसे जलाते हो और खुद को मर्द कहते हो तुम? अरे मर्द नहीं, इंसान कहलाने लायक नहीं तुम में से कोई। बस अपने मर्दानगी के घमंड में चूर, कुछ पागल हो तुम सब, कुछ पागल, कुछ कमजोर, कुछ बुजदिल, कुछ कायर लोग जो ये तक नहीं सोच पा रहे कि वो कि इस लड़की ने
इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया होगा। ये बैरिस्ट्री की डिग्री महज एक कागज नहीं, ये उसकी 8 साल की तपस्या का फल है, उसकी 8 साल के मेहनत का फल है। आदमी के लिए यहाँ तक पहुंचना बहुत आसान होता है, अगर यही काम किसी लड़की को करना पड़े, किसी औरत को करना पड़ जाए ना, तो उसे हमसे 2 गुना 3 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये इसी समाज से लड़ना पड़ता है, प्रथाओं से लड़ना पड़ता है, अपना घर, अपना देश, अपने रिश्ते तक को पीछे छोड़ना पड़ जाता है। तुम में से कोई चाहे जो कर ले, बौंदता घर नहीं बैठेगी। वो बैरिस्टर बाबू बौंदता है और बैरिस्टर बाबू बौंदता बनी रहेगी। आज सिर्फ मैं कह रहा हूं, लेकिन कल यहां पर खड़ा हर एक इंसान कहेगा कि वो देखो तो इस कचहरी की सबसे बेहतरीन बैरिस्टर बौंदता दास चाहिए। बौंदता दास है ना, बौंदता रॉय चौधरी थोड़ी है। क्यों चिंता हो रही है उसकी? अरे आप भूल गए क्या, वो आपके दुश्मन की बेटी है। पता तो है आपको, दुश्मन गांव कृष्णा नगर से है वो। अरे क्यों खून उबाल मार रहा है आपका? बताइए बैरिस्टर बाबू, कौन सा रिश्ता बचा आपका? क्या रिश्ता है आपका? बोलो। उन सबके सवालों ने मुझे उस सच से वाकिफ कराया था जिससे पिछले 8 साल से भाग रहा था मैं। उन सबके सवालों ने मुझे एहसास दिलाया कि बौंदता क्या मायने रखती है मेरे जीवन में। उन सबके सवालों ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मेरा बौंदता के साथ आखिर क्या रिश्ता है। और फिर मुझे एहसास हुआ कि बौंदता सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, जिम्मेदारी से कहीं ज्यादा थी, कहीं बढ़कर थी। बौंदता ही मुझे पूरा करती थी, बौंदता के बिना मैं अधूरा हूं। इसीलिए उसके जाने के बाद से मैं अधूरा जीवन जी रहा हूं, खोखला जीवन। बैरिस्टर बाबू हूं नाम के लिए, पर अपने अंदर के अनुरोध को भूल चुका हूं। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि बौंदता और मेरा रिश्ता ना दुनिया के हर रिश्ते से अलग है, दुनिया के हर रिश्ते से पवित्र है। जानती हो, मुझे हमेशा लगता था कि मेरा और बौंदता का सपना एक है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। सच्चाई तो यह है कि बौंदता और मैं एक थे, जिसके कारण हमारा सपना एक था, और उस सपने को बौंदता ने पूरा कर दिया। बैरिस्टर बाबू बनकर आ गए बौंदता। आज मुझे एहसास हुआ कि बौंदता और मेरा बंधन निराला है, दुनिया से अलग है। ऐसा बंधन जो सिर्फ कह देने भर से नहीं जुड़ता, ऐसा बंधन पाने के लिए लोग लाखों मिन्नतें, लाखों दुआएं मांगते हैं, तब जाकर मिलती है। सिर्फ कह देने भर से नहीं, दुर्गा माँ के चाहने से ऐसा बंधन मिलता है, पर मुझे वैसा बंधन मिला। लेकिन इस बात का एहसास मुझे आज हुआ, इतने समय बाद हुआ, बहुत देर करती मैंने। इसमें भी बौंदता मुझसे ज्यादा समझदार निकली। हमेशा की तरह बौंदता ने समझदारी से जाना समझा। जानती हो, बौंदता जानती थी कि हम दुश्मन परिवार से हैं। बौंदता जानती थी कि 8 साल पहले क्या हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ। बौंदता ये तक जानती थी कि मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, लेकिन फिर भी बौंदता ने अपनी जान की बाजी खेलकर हमारे प्यारे रिश्ते को बचाने की कोशिश की। बचपन से ही रिश्तों का मोल मुझसे बेहतर समझती है बौंदता, और उससे ही सीखने की कोशिश करता रहा हूँ। रिश्तों को समझना, रिश्तों को संभालना, रिश्तों को समझना बहुत अच्छे से आता है उसे। कितना सब किया बौंदता ने बैजंती, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने पल भर में बौंदता का सच्चू तोड़ दिया। आज एक बात को गांठ बांध लो, हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा, हमारे रास्ते अलग हैं और इतने अलग कि वो कभी नहीं मिलेंगे। मैं अपने आप को बौंदता से माफी मांगने के लायक भी नहीं समझता। मुझे नहीं पता तुम समझ पाओगी या नहीं, लेकिन जानती हो वैजंती, इन 8 सालों में मैंने बौंदता की शक्ल नहीं देखी है,
लेकिन फिर भी हर पल मुझे लगता है मानो बॉन्डिता अब मेरे पास है। हर पल उसे अपने पास महसूस करता हूं मैं। वो भले ही प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने ना हो लेकिन लेकिन मेरी दिल की धड़कनें हर पल मुझे उसके मेरे पास होने का एहसास करवाती है। टेलीफोन करती है मुझे कभी कभी। बॉन्डिता बात नहीं करता ना उससे लेकिन उसकी आवाज ना मेरे कानों में नहीं मेरे दिल में गूंजती। बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है मैंने उसे पर जब जब चोट पहुंचाई तब तब मेरे दिल को भी ठेस पहुंची है। वो मैं किसी को बता नहीं पाता। मैं जानता हूं मैं और बॉन्डिता किसी नदी के दो किनारों की तरह हैं, कभी मिल नहीं सकते लेकिन मेरे दिल में बॉन्डिता के लिए जो जगह है वो मैं किसी और को नहीं दे सकता। वैजयंती तुम्हें भी नहीं दे सकता। मेरे दिल में बॉन्डिता थी बॉन्डिता है और बॉन्डिता ही रहेगी। मैं जानता हूं तुम ये सोच रही होगी ना कि मैंने पहले कभी तुमसे बात क्यों नहीं कही। पहले ही बोल देता तो शायद आसानी हो जाती, इतनी बातें बिगड़ती नहीं शायद। लेकिन एक सच बात बताऊं वैजयंती, आज पहली बार अपने दिल की बात अपने आप से कही है मैंने। आज पहली बार मैंने वो किया जो मुझे सही लगा, वो कहा जो मेरे दिल ने कहा। आज पहली बार मेरे मन की बात मेरे दिल की बात मेरे जुबान पर आई है मैंने। इसके पहले कभी हिम्मत नहीं की अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने। मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा सखा बाबू। आपने तो आज कहा है पर मैंने तो पहले दिन ही देख लिया था आपकी आंखों में अपने लिए प्यार। शौती सखा बाबू आज कहना तो मैं भी चाहती हूँ आपको जो मेरे दिल में है पर पता नहीं कैसे कहूँ। आपसे कितना प्यार करती हूँ ये बताने वाले प्यारे से शब्द ही नहीं ढूंढ पा रहा है मेरा दिल। वैजयंती माफ करना मुझे, मैं जानता हूँ मैंने बचपने में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें गलत फहमी में रखा, मेरी वजह से तुम्हारे दिल को चोट पहुंची होगी। बहुत दुख दिया मैंने तुम्हें, मैं उसके लिए सिर्फ माफी मांग सकता हूँ तुमसे। वैजयंती मुझे माफ कर दो प्लीज, तुम चाहे जो सजा दो मुझे मुझे मंजूर है, बस मुझे माफ कर दो प्लीज। सखा बाबू आपने मुझे चोट नहीं पहुंचाया बल्कि मेरे हर घाव को भर दिया अपने प्यार से। आपने मुझे आज जो खुशी दी उसके बदले तो आज जान भी ले ले तो गम, तो मैं शिकायत नहीं करूं। आपने कह दी अपने दिल की बात सखा बाबू, अब मेरी बारी है आपको ये बताने की कि जिस वैजयंती में आप बॉन्डिता देख रहे थे वो आपकी बॉन्डिता ही है। हे दुगम आज वो पल आ गया, मुझे ताकत दो कि मैं सच कह पाऊं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जंती तुम यहीं रुको मैं अभी आया।
आज इतनी जोर से आवाज गूंजनी चाहिए कि ना सिर्फ हौसला काटे हमारे दुश्मनों का, बल्कि इनके कान भी काट दे। आज पता चल जाना चाहिए इन्हें कि इस बार जीत हम कृष्णा नगर वालों के सर पे ही सजेगी। कृष्णा नगर वालों ने खेती बाड़ी छोड़कर ये नया व्यवसाय चुन लिया क्या? नया ही समझ लीजिए। भलो भलो, खूब भलो, क्योंकि इस बार हमारे हाथ में ऐसा तुरुप का इक्का है जिससे इतने सालों बाद हम कृष्णा नगर वालों को पूजा करने का अधिकार मिल जाएगा। ऐसा कौन सा हथियार मिल गया तुम्हें चंद्रचूड़? यही है वो वैजंती, बैरिस्टर बाबू की होने वाली पत्नी। ये तमिल सीखने वाली किताब बोंदिता के पास क्यों? इसका मतलब मेरा शक सही था, बोंदिता ही वैजंती। दिखाएंगे बैरिस्टर बाबू, वो भी मुकाबले में दिखाएंगे। और इस हथियार का वार इतना खतरनाक है कि उसकी वजह से हमें मिलेगा इस बार मंदिर में पूजा करने का अधिकार। तो बस उसी की खुशी में पहले से ही ढोल और नगाड़े बजा रहे थे। अच्छी बात है। तो तुम्हें लगता है कि ये ढोल नगाड़े बजाकर तुम हमें दिशा भ्रमित कर दोगे, जीत जाओगे प्रतियोगिता? चंद्रचूड़, तुम सब कृष्णानगर के तलवारबाजों के लिए अनिरुद्ध रॉय चौधरी अकेला ही काफी है, क्योंकि मैं तलवारबाजी का अभ्यास करता हूं, फूल पीटने का नहीं। चलो, यहां पे हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर एक लड़की थी वैजंत, एक लड़की थी, कहाँ गई देखा आपने? तो कब की चली गई बैरिस्टर साहब? चली गई? लगता है मेरी बात का बुरा मानकर चली गई। अनिरुद्ध, और कितनी देर? अरे कहाँ है वैजंती, कहाँ है? आई नहीं ऊपर, और ना ही उसके अम्मा और अप्पा आए। काका, वो वैजंती चली गई। चली गई मतलब क्यों चली गई? मैंने उसे शादी के लिए मना कर दिया। कह दिया उसे कि मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बना सकता मैं। और क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? बंदेता की वजह, देता की वजह से ना, और देता के कारण ही नहीं अपना सकते ना तुम उसे, उसके कारण ही तुमने मना कर दिया ना वैजंती के साथ शादी की।